वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हादी हुसैन और आपको वेलकम कर दूँ अपने चैनल एप्पल लवर्स पॉइंट पर। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेश न्यूज़ के ऊपर है। 3 दिन रह गए हैं WWDC 2020 में, 3 दिन बाद एप्पल अपना न्यू OS जो है लॉन्च कर रहा है। तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग भी इसने OS के अंदर की हैं, तो उसके ऊपर आज हम ये बात करेंगे कि एप्पल ने क्या चेंजिंग की है, क्या एप्पल नया ला रहा है। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो एप्पल ने जो है अपना iOS 14 सबको पता है अपना लॉन्च कर रहा है, न्यू सॉफ्टवेयर एप्पल लॉन्च कर रहा है। तो उसके हवाले से जो फ्रेश न्यूज़ निकल के आई है वो ये आई है कि एप्पल अपने iOS का नाम चेंज करके iPhone OS रख रहा है। और ये पहली बार नहीं है, एप्पल ने जब 2007 में अपना OS लॉन्च किया था, फर्स्ट OS लॉन्च किया था, तब उसका नाम iPhone OS ही था। तो 2007 से लेके 2009 तक जो है एप्पल का iOS का नाम जो है iPhone OS ही था, iPhone OS 1, iPhone OS 2, iPhone OS 3। तो जब एप्पल ने अपना OS 4 लॉन्च किया तब एप्पल ने उसको iPhone OS से चेंज करके iOS में चेंज कर दिया था, iOS रख दिया था नाम उसका। तो तब से लेके अब तक iOS ही चल रहा था, बट एप्पल अब उसको दोबारा से जो है iOS को चेंज करके iPhone OS में चेंज कर रहा है। ये जो है अच्छी बात भी है, क्योंकि एप्पल का जो जितने भी लाइनअप हैं, जिस तरह मैक के लाइनअप का नाम मैक OS है, वॉच के लाइनअप का नाम एप्पल वॉच OS है, इसी तरह जो है iPad का जो OS है वो iOS 12 तक तो iOS था, पर iOS 13 के लॉन्च पर एप्पल ने उसका नाम भी iPad OS कर दिया था। तो अब जो एप्पल iOS का iPhone के लिए इसको iPhone OS कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। एक लाइनअप का पता लग जाता है कि इस लाइनअप के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है, तो ये तो लीक जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब दूसरी न्यूज़ जो है वो ये है कि एप्पल अपने iPhone का नाम भी चेंज करके एप्पल फ़ोन रख रहा है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फेक लगी, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी जो है अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक iPhone बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नेम है और बहुत ही जो है एक कह लो कि iPhone का नाम लेते ही पता लगता है ये फ़ोन एप्पल का है। तो वो एप्पल फ़ोन एक बहुत ही ऑड सा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लाइनअप है आई मैक का जो है आई मैक, आई वॉच, आई पैड, आई पॉड, तो इस तरह आई फोन जो है ये एक जो है अच्छी चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग सा नेम है। तो देखते हैं ये फेक न्यूज़ है कि रियल है, 3 दिन में हमें इंशाल्लाह पता लग जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अब जो है कि iPhone 6s, 6s Plus और SE के लिए कि एक न्यू लिस्ट निकल के लीक आई है, लीक एक न्यू लिस्ट की आई है जिसमें पता चला कि iOS 14 जो है iPhone 6s, 6s Plus और SE में भी होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन डिवाइसेस में भी iOS 14 होगा, बट फिर भी मैं उन दोस्तों को कहूँगा जिन्होंने iPhone 6s या SE लेना है वो बस 3 दिन और वेट कर लें, इंशाल्लाह 3 दिन बाद जब 100% कन्फर्म हो जाएगा तो आप जाके ज़रूर ये डिवाइसेस लीजिएगा। बहुत ही जो है अच्छी डिवाइसेस हैं ये भी, अभी तक जो है रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रही हैं। तो इंशाल्लाह 3 दिन बाद आपको जो है 100% सब लीक्स कन्फर्म हो जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन मुझे आप बताइएगा कि एप्पल अपने आईफोन का नाम एप्पल फ़ोन रखेगा कि नहीं रखेगा, अपने iOS का नाम चेंज करके iPhone OS रखेगा कि नहीं रखेगा, और 6s Plus में और SE में iOS 14 होगा कि नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।